हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक बार। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले हम लोग घर गए थे छुट्टी पे, तो वहाँ से आए। तो वहाँ से आने के बाद ऋषिकेश से आगे का जो रास्ता था ना, वो ब्लॉक हो गया। मतलब जो NH 58 है रास्ता है, तो वो ब्लॉक था, कहीं लैंडस्लाइड हुआ था, तो हमें दूसरा डाइवर्ट करना पड़ा रास्ता, दूसरे रास्ते से हमें आना पड़ा। जो जितनी प्रॉब्लम हुई है उस रास्ते पे जाने में, इतना ज़्यादा फॉग था और इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा था उस दिन, तो मतलब लग रहा था जैसे कि आज तो कैसे पहुंच पाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर पे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। साथ में मम्मी जी भी थी, मैडम भी थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ का सीन कुछ कुछ। मतलब गर्मी के सीजन में इतना ज़्यादा फॉग और इतना ज़्यादा कोहरा मैंने लाइफ में पहली बार देखा है, और शायद हो सकता है आप भी लाइफ में पहली बार ही देख रहे हों। तो दिखाता हूँ मैं आपको वो चीज़। गाइस, सुबह का 8:30 हुआ है और हम निकले हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने के लिए। सामने बैरिकेडिंग हो रखी है क्योंकि आगे लैंड स्लाइड हो रहा है। ब्लॉक है रुद्रप्रयाग का, कितने जाना पड़ेगा? और कोई रूट है? दूध चंबा वाला है और वो खुला है, ये पता कर लेना चेक पोस्ट पे ना, पहले चेक पोस्ट पता कर लेना तब जाना। एक दो घंटे बाद यहाँ पे पुलिस वाले भैया ने बताया कि आगे रोड बंद है, आगे लैंड स्लाइड हो रहा है, तो आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, चंपा और टिहरी वाला रास्ता जाना पड़ेगा। तो हमने रास्ता चेंज किया, तो जैसे ही रास्ते में गए ना, तो फॉग स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का सा बादल है। तो पहले तो इन्जॉय कर रहे थे कि यार कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बादलों के बीच में से हम कार चला रहे हैं। और यहाँ भी हमें एक चेक पोस्ट मिला था, वहाँ पे हमने कंफर्म किया कि आगे लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा फॉग है, लैंडस्लाइड थोड़ी देर पहले हुआ था, अभी बंद है, तो रास्ता भी चालू कर दिया है। लेकिन अभी भी रोड पे पत्थर गिरे हुए दिख रहे हैं, लग रहा है रिसेंटली गिरे हुए हैं ये पत्थर रोड पे। तो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा कि शायद पता नहीं कौन सा पत्थर आके कहाँ आके कार पे ना गिर जाए गलती से। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ऋषिकेश में जाके रुक जाएँ, स्टे कर लेते हैं, जब मौसम साफ़ होगा तो हम आगे निकल जाएंगे। कुछ दूर तक हमें मौसम साफ़ ही मिला, लेकिन अभी हल्का हल्का फॉग स्टार्ट हो गया है। और ये टाइम है सितंबर का, सितंबर के महीने में इतना ज़्यादा फॉग और सर्दी भी हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 9:30, इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है यहाँ पे, सामने की गाड़ी से कुछ सामने दिख नहीं रहा है। यार गाड़ी रोक लो प्लीज़ यार, आगे बहुत ज़्यादा धुआँ है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। प्लीज़ यार आगे अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है, हम नहीं जाएंगे। कोई होटल देख लो, वहाँ रुकेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों चला? रुक जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो यार, वैसे भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ चलाऊं गाड़ी। आप अलग बोल रहे हो, कहाँ चले जाएं, इतनी दूर आगे निकल के आ गए हैं, लगभग 40 किलोमीटर आगे हैं, अब पीछे जाएं कि आगे जाएं समझ में नहीं आ रहा है। अब वापस तो जाने से रहे, जाएंगे आगे ही, स्लो चलते हैं आराम से। यहाँ पे थोड़ी देर पहले लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर जो जाली लगी होती है ना पत्थर रोकने के लिए, वो जाली भी नीचे आ गई है। यह पत्थर देख रहे हैं आपको, आगे जाम लगा है काफ़ी लंबा, क्योंकि वहाँ पे JCB चल रही है, पत्थर हटा रही है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कब तक जाम खुलता है यहाँ पे। गाइस, सजेस्ट करूँगा आज, मतलब हम तो निकल आए, आप कभी मत निकलना बरसात के सीजन में पहाड़ों के रास्ते पे, सच में बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है, बहुत ही खौफनाक और भयानक होता है मंजर। 2 घंटे बाद ये रास्ता खुला है, लगभग पूरे रास्ते पे भी पत्थर पड़े हुए हैं, साइड में भी पत्थर हैं पूरा, और बिल्कुल सामने, मतलब सामने कुछ देख ही नहीं रहा है, एकदम ब्लैंक हो गया है। रोड पे जो वाइट वाली पट्टी होती है ना, वो हल्की हल्की शो हो रही है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं 5-10 की स्पीड। पता नहीं ये फॉग कितना और आगे तक मिलेगा हमें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रास्ते में कितना ज़्यादा फॉग है, मतलब लगभग 5 मीटर आगे गाड़ी के बिल्कुल भी दिख नहीं रहता कि सामने क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, और लगातार जो साइड में पहाड़ थे वो लैंडस्लाइड उन पे हो रहा था। तो एक एक पल में ऐसा फील हो रहा था कि मतलब आज बचेंगे कि पता नहीं भगवान के पास पहुंच जाएंगे क्या होगा, बट फाइनली अभी सेफ है तो पहुंच गए हम घर पे। इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि कभी भी रेनी सीजन में पहाड़ों में ट्रैवल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी लोग चाहते हैं कि आके पहाड़ों में थोड़ा सा एडवेंचर हो जाए, घूमना हो जाए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी बिल्कुल मत आना, रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब कौन सा पहाड़ कब किस जगह पे गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, और नीचे आप देखोगे तो नीचे लगभग 1000-2000 पता नहीं कितनी गहराई है, कितनी फिट गहराई है कुछ पता नहीं है, कई सारे एक्सीडेंट्स होते भी हैं।
क्यों, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। रास्ते भर पता है आपको, रास्ते भर गाड़ी में भी भगवान के भजन चल रहे थे। आप भी चलाते, हम तो हमेशा चला रहे थे, मतलब रास्ते भर जाप रहे थे भगवान का नाम लेके। भैया हाँ तो आज बिंदुवासी वहाँ, बिंदुवासी वहाँ, इतनी बिंदुवासी वहाँ की, अगर हमें तो लग नहीं रहा था कि हम बच जाएं, तभी तो मैंने वीडियो वीडियो बनाई, अगर किसी को फोन मिले तो कम से कम देख ले। आज तो भगवान का नाम लेते हुए आए हैं, मतलब आज पहुंच जाएं, पता नहीं क्या क्या करेंगे, कितना प्रसाद चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इतना ज्यादा प्रसाद है। इसलिए नहीं बोला क्योंकि बचेंगे नहीं, कौन चढ़ाएगा, और भगवान लग रहा था बचेंगे नहीं, साईं बाबा का था बहुत ज्यादा, मतलब लाइफ का वो दिन ऐसा था ना कि मतलब आपको ब्लॉग में दिखाया डैम, तो वो जो रास्ता था ना वहां से घूम के हमें जाना था, और जो लगभग 4 घंटे का रास्ता है वो हमें लगभग 11 घंटे लगे पहुंचने में। और जब गाड़ी के नीचे वो पत्थर नहीं आया, आने का लियो पहाड़ गिर गया और मम्मी धक हो गई एकदम धक। तो 4 घंटे का रास्ता, 11 घंटे लगे पहुंचने में, और लगभग 70 से 75 किलोमीटर राउंड करके आना पड़ा। रोड सिंगल रोड थी एकदम, जैसे सामने से कोई बस ऐसे क्रॉस करती थी ना, तो इतनी सी जगह देते हैं वो, मुश्किल से एक फीट भी नहीं होती उनकी जगह, इतनी जगह में इतनी स्पीड में निकाल देना वो लोग, बस वाले पहाड़ी बस वाले ड्राइवर होते हैं, पूछो नहीं उनको। तो जरा सा भी टच होगी ना गाड़ी में, इतना सा टच हो गया तो गाड़ी नीचे गिरेगी सीधे जाके, तो बहुत ज्यादा रिस्की है ड्राइव करना। सिंगल रोड है, एक बस भी क्रॉस कर दी है, आपको गाड़ी भी निकाल दी है, कुछ भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है, कहां बाउंड्री, सीधा नीचे एकदम खाई होती है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने फाइनली डिसाइड किया कि यहाँ पे स्टे करते हैं, शायद धूप निकला है तो ये फॉग हट जाए, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बादल क्लियर हो जाएंगे तो आगे बढ़े। पहाड़ देखो कौन डिस्टर्ब है।